क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म तीनों के तीनों रिलीजन में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, जो कहता है कि सोल इमॉर्टल है और डेथ के बाद सोल इस मॉर्टल बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में चला जाता है, जिस बॉडी का भी बर्थ हुआ नहीं है। ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आखिरी सांस लेने के ठीक बाद ही सोल बॉडी को छोड़ देता है और हमारे जो अंतिम संस्कार है वो प्रोसेस है सोल को अपने डेस्टिनेशन तक गाइड करता है। अब ये डेस्टिनेशन हर एक रिलीजन के लिए अलग है। तो हिंदुइज्म में क्या होता है कि यम को कंसिडर किया जाता है एज द हिंदू गॉड ऑफ डेथ एंड द जज ऑफ सोल्स इन द आफ्टर लाइफ, और फिर यम डिसाइड्स टू पनिश हिम और टू रिवॉर्ड हिम। तो पहला ऑप्शन होता है इमॉर्टलिटी, या आसान भाषा में जिसको मोक्ष कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इज टू गेट अनदर लाइफ, और तीसरा ऑप्शन इज टू गेट सेंट टू द 21 लेवल्स ऑफ हेल, जहाँ तुमको गर्म तेल में फ्राई किया जाता है।